नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में ये नारा आपके कानों में भी खूब गूंजा होगा और शायद यही वजह रही कि देश की जनता ने बीजेपी को सिर आंखों पर बैठाया और केंद्र की सत्ता पर काबिज किया। हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। 2014 के बाद भी महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में पेट्रोल के दाम एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। विपक्ष को बैठे बिठाए मौका मिल गया है, बात चाहे देश की राजधानी दिल्ली की हो या फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। हर जगह विपक्ष लगातार बीजेपी के खिलाफ हंगामा कर रहा है, आंदोलन कर रहा है। आपको दो तस्वीर दिखाएंगे। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पर सपा की महिला कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, वो गाड़ी और बाइक पर सवार होकर नहीं आई थी बल्कि रिक्शे में सवार होकर आई। उनसे बात की हमारे सहयोगी शाहिद रजा ने। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी न्यूज में। मैं हूँ शाहिद रजा। आज हम पहुंचे हैं आगरा में। आगरा में जो पेट्रोल और डीजल पर जो महंगाई है उसके विरोध में महिलाओं ने रिक्शा चलाकर प्रदर्शन किया। बात करते हैं सपा की शहर अध्यक्ष मोनिका नाज खान से। जी, आज हम लोगों ने जो है सबसे ज्यादा मार पड़ रही है हमारी पेट्रोल डीजल पे। आए दिन ये मूर्ख सरकार दाम बढ़ाती जा रही है। गरीब को तो बिल्कुल भिखारी बना दिया है, माला माल को और ज्यादा माला बना दिया, क्योंकि भ्रष्ट और ये चोर सरकार जो है अपने ही गिरेवान में नहीं झांक रही है। जब केंद्र सरकार थी तभी लोग नंगा नाच करते थे महंगाई को लेकर के। आज ये लोग मूर्ख बन के क्यों बैठे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा मार पड़ेगी महिलाओं को। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो सिलेंडर महंगा होगा, सिलेंडर महंगा हो तो एक्सपोर्ट महंगा होगा, एक्सपोर्ट महंगा हो तो अनाज महंगा होगा। सबसे ज्यादा महंगाई मार पड़ने वाली है तो महिलाओं को। इस महंगाई में मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराती है? ऑलवेज सबसे ज्यादा मोदी सरकार ही है इसमें। मोदी सरकार तो मूर्ख बन के बैठे क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं है, कुछ भी नहीं, ना उनके बीवी है ना बच्चे हैं, तो वो क्या दर समझेंगे परिवार किस तरह से चलाया जाता है। 25 लाख का सूट पहनने वाले हम लोगों के गरीब बच्चियों की शादी 5 लाख में हो जाती है, ये इस चीज का उनको अंदाजा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, हम लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मूक बन के बैठी हुई है। ये बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं। रोज आए दिन पेट्रोल डीजल के पैसे बढ़ते हैं। हम क्या करें, इस भ्रष्ट सरकार को हटना चाहिए या फिर रोक लगानी चाहिए। मैं पेट्रोल को लेकर के बहुत परेशान हूँ क्योंकि रोज गाड़ी चलाती हूँ, रोज दिक्कत होती है मेरे को। इतना महंगा पेट्रोल है, रोज डलाओ, दो दिन चलता है, कहाँ से ये पैसा आए, कहाँ से हम लोग घर के खर्चे चलाए। 3 साल हो गए मेरे को मदरसा बोर्ड में जॉब करते हुए, मेरे को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। ये मोदी सरकार है, अगले सरकार होती तो अब तक हमारी तनख्वाह भी आ जाती, हमको हम खुशियों खुशहाल जीवन अपना जीते। लेकिन आज 3 साल हो गए मैं एक एक रुपए के लिए तबाह बैठी हूँ, फिर भी मैं कैसे कैसे गाड़ी चलाती हूँ, कैसे कैसे ट्यूशन करती हूँ, तो अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। चलिए, तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की पहली तस्वीर आपने देखी कि किस तरीके से सपा की महिला कार्यकर्ता हंगामा कर रही थी, पूरे आक्रोश में नजर आ रही थी। अब देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां महंगाई के मुद्दे पर जनता में काफी आक्रोश है। तमाम लोगों से इस दौरान चर्चा की हमारे सहयोगी अमित कुमार तिवारी ने। सर, ये तो डेली का डेली बढ़ रहा है, एक दिन का होता तो मान जाते हैं, तो हर महीने क्या 2, 10, 10, 20, 20 पैसे बढ़ते चले जाते हैं। पहले 50-55 का मिलता था, आज मिल रहा है 76 रुपए का, 77 हो गया, तो बस रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। 4 साल पहले मोदी सरकार का नारा था, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पर वार, अब की बार मोदी सरकार। सर, अब मोदी क्या करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बात है, उसमें तुम भी सहमत हो सकते हैं कि मोदी जी का साथ दे रहे हैं? जरूर जरूर सर, ऐसे चल रहा है, डेली का हो गया 2 से 4। पहले पेट्रोल कितने डलवाते थे? सर जी, मैंने 56 रुपये लीटर भी डलवाया है, आज के टाइम पे 77 रुपये हो रहा है। आज आपने मतलब कम पेट्रोल डलवाना चालू कर दिया या फिर आपने कम ट्रैवलिंग करना चालू कर दिया? सर जी, डेली का ट्रैवलिंग तो वही है, 150-200 किलोमीटर चलती है डेली, लेकिन क्या करें, महंगा हो रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, इतनी कमाई रही नहीं, अब क्या करें।
वही 5-6 रुपए डेली के हैं कमाई के, उसमें 200 रुपए का पेट्रोल डला देते हैं। 200 मोदी का नारा याद है आपको सर, अब बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पर वार के बाद मोदी सरकार। सर जी मोदी क्या, मोदी जी क्या करेंगे, जब गरीब आदमी मरेगा तो मोदी जी खुद थोड़ी आएंगे यहाँ पे हमारी हेल्प करने। मोदी जी का साथ, सर जी मोदी जी का साथ तब तब दिया जाता है जब जनता को फायदा हो। जनता को फायदा नहीं होगा तो मोदी जी का सरकार लाने का उनका मतलब ही यही था कि फायदा होगा जनता को, उन्हें तो फायदा होना। कोई फायदा नहीं सर जी, कोई फायदा नहीं होता, गरीब जनता मर रही है और ज्यादा मर रही है। उन्होंने मुसीबत बचा के रखी है पेट्रोल की वजह से। 4 साल पहले मोदी सरकार का नारा था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पर वार आपकी बार मोदी सरकार। हाँ तो ये सरकार अब अच्छी नहीं आई, निकम्मी सरकार आई है, इसको हटा दो बिल्कुल, जल्द से जल्द हटा के कांग्रेस को जल्दी से ले आओ। पेट्रोल महंगा होने से हम सबों को दिक्कत है, बहुत इतनी दिक्कत है कि इससे सब्जियां भी महंगी है, आने जाने वाले को दिक्कत है, हम भी आम आदमी है, पेट्रोल में हमको महंगा होगा तो हमें बहुत दिक्कत होती है, ना कहीं आने के ना जाने के। बस में इतना ट्रैफिक है, बिना गाड़ी के आज की डेट में कोई आदमी नहीं जा सकता, अपनी गाड़ी से जाता तो इतना पेट्रोल महंगा होगा तो आदमी क्या खाएगा क्या करेगा आज की डेट में, और रोजगार आज की डेट में रहा नहीं है, अब पेट्रोल भी महंगा होगा तो ऐसे क्या करेगा, आम आदमी तो बहुत परेशान हो जाएगा। 4 साल पहले मोदी सरकार का नारा था बहुत हुआ पेट्रोल डीजल पर वार आपकी बार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार को भी देख लिया लेकिन हमें तो बहुत ही दिक्कत हो रही है, हमें पता है इस टाइम हम कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, इस टाइम तो हम काम धंधे से भी परेशान है, पहले तो ये था कि चलो काम भी ठीक है लेकिन अब तो पटरी तक भी नहीं लग रही, तो अब जो 10 रुपये की चीज़ थी और महंगी हो रही है क्योंकि ढूंढनी पड़ती है चीज़ भी, और पेट्रोल भी इतना महंगा होता जा रहा है कि अब तो ऊपर वाले मालिक है क्या भला। जैसा कि जनता ने बताया कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन पर भी इससे काफ़ी असर पड़ेगा, और जनता को तो इनका नारा याद है, शायद मोदी सरकार ये नारा अपना भूल चुकी है। कैमरा पर्सन परवेश मिश्रा के साथ अमित कुमार तिवारी, DB News, दिल्ली। तभी आपने सिर्फ 2 तस्वीरें देखी लेकिन पूरे देश में जगह जगह यही हाल है जहां विपक्ष हंगामा बरपा रहा है। 26 तारीख बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी को अपना लेखा जोखा भी पेश करना है जनता के सामने। 2019 के चुनाव भी बेहद नजदीक हैं, अब जनता ही तय करेगी कि मोदी सरकार के 2019 में अच्छे दिन आएंगे या फिर नहीं। इसी के साथ स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।